नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। जल शक्ति अभियान में बांदीपोरा में कार्यरत दर्जनों अस्थायी कर्मचारियों ने आज जल शक्ति अभियान अनुमंडल बांदीपोरा में संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों की मांग है कि बांदीपोरा जिले में 350 से अधिक व्यक्ति जल शक्ति अभियान विभाग में अस्थायी वेतन के आधार पर कार्यरत है। हालांकि प्रशासन ने अब तक केवल 21 व्यक्तियों को कौशल विकास के तहत नामित किया है, जबकि अन्य जिलों में यह संख्या 200 के करीब है। उन्होंने कहा कि बांदीपोरा जिले में करीब 7 तहसीलें हैं और अभी तक केवल 20 लोगों को ही नामांकित किया क्यों गया है। उन्होंने कहा कि जिले में नियमित कर्मचारी की संख्या बहुत कम है, क्योंकि ऐसे कर्मचारी समय के साथ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि नई भर्तियां को लागू नहीं किया गया है। ऐसे मामले में अधिकांश काम अस्थायी कर्मचारी पर निर्भर है। इसी बीच कार्यपालन मंत्री जल शक्ति अभियान बांदीपोरा अब्दुल खालिक कुरैशी से बात करते हुए इस संबंध में कहते हैं कि हमेशा प्रशिक्षण के लिए 20 दल का भेजना है। वर्तमान में 20 समूह का प्रशिक्षण चल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पहले समूह का प्रशिक्षण पूरा होते ही दूसरे समूह के नाम जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में मिलेगा सभी को प्रशिक्षण। ये जी का जो हमारा एक ऑर्डर निकला है 5 जनवरी 2022, उसमें ये ऑर्डर निकला है सुप्रिटेंडेंट ऑफ ITI डिप्लोमा होल्डर के लिए। यहाँ के लगभग 21 बंदे भेज दिए वहाँ, मगर बदकिस्मती की बात ये हो गई कि यहाँ पौने 400 लड़के हैं इस वक्त। हमारा मुतालबा ये है कि बाकी डिवीजनों से लगभग 100 से ज़ायद लड़के ट्रेनिंग करने के लिए ITI ट्रेन स्किलेड काम का सीखने के लिए गए, मगर बदकिस्मती की वजह से हमारा जो बांदीपोरा है यहाँ से गुरेज तक कि लगभग इसमें 5-6 तहसील आते हैं, उसमें से खाली 20 लड़कों को वहाँ भेज दिया गया। ये सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे लड़कों के साथ। कम से कम यहाँ के कोटा 200 से ज़ायद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत स्टाफ है कम इस वक्त रेगुलर का। यहाँ डेलीवेजर का इस वक्त काम करता है, ग्राउंड ज़ीरो पर यहाँ काम करता है ज़्यादातर डेलीवेजर ही। और हमारा यही मुतालबा है चीफ इंजीनियर साहब को, अपने DC साहब को, अपने एग्जन साहब को, AEE साहब को, हम हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम जो ये कोटा है इसमें से कम 200 लड़का होना चाहिए। बाद में जो परेशानी लोगों का होता है उसमें भी कम बढ़ जाएगा, लोगों का परेशानी भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि जब लड़का सिकलेट होगा वो तो आराम से अपनी काम निभा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।